This video is not made for kids. But getting a star power won't give you the purely cosmetic level 10 anymore. A few moments later. देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? जब मैंने ये सुना तो मेरी तो डांट ही पड़ गई। पूरे एक साल से मेरा अकाउंट मैक्स था और एक झटके में सुपरसेल ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रिसेंटली मुझे पता चला है कि मेरे वीडियो ज्यादातर लड़कियां देखती हैं। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। उन सभी फीमेल व्यूअर्स को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतनी खुशी। वाह, क्या एक्टिंग कर। तो अब बात करते हैं प्रीवियस अपडेट की। मुझे ये अपडेट बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जिन प्लेयर्स ने हाल ही में ब्रॉल स्टार खेलना शुरू किया है उनके लिए अकाउंट मैक्स करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, सारे ही फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 90,000 कॉइन थे जो मैंने एक साल में जमा किए थे, और अब देखो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्योंकि जब से ये अपडेट आई है ना, मैं हर दिन शॉप में जितने ही पावर पॉइंट आते हैं मैं सारे बाय कर लेता हूँ। पर ये देखो यार, मेरे सिर्फ कुछ ही ब्रॉलर अपग्रेड हुए हैं, वो भी सिर्फ लेवल 10 पे। इनको लेवल 11 पे लाने के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वैसे तो मैं मैक्स में वीक हूँ, पर मैं अगर मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो मुझे अभी कम से कम 5,00,000 कॉइन्स और चाहिए अपने ब्रॉलर्स को मैक्स आउट करने के लिए। और अगर गियर स्क्रैप की बात करूँ तो मुझे नहीं पता। देखो मैं गेम पे कोई पैसा वेस्ट नहीं करता हूँ, वैसे मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं क्या वेस्ट करूंगा। तो मेन टॉपिक ये है, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बट डोंट वरी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपना अकाउंट जल्दी से मैक्स आउट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री एडवाइस लेना चलो, नहीं तो चलिए शुरू कर। तो करना नहीं करूं। करो फिर। करो फिर। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। नहीं। In case you haven't noticed, I'm weird. I'm a weirdo. सुबह क्या होगा लगता है भाई? म्यूजिक नंबर 1, डोंट बाय स्किन्स। हाँ मैं जानता हूँ स्किन्स आर द वीकनेस ऑफ अ गेमर, क्योंकि एक्सक्लूसिव स्किन्स हमें दूसरे प्लेयर से अलग दिखाती है। और मुझे भी ब्रॉल स्टार की काफी स्किन्स बहुत पसंद है यार, मेरा भी मन करता है इन्हें बाय करने का, जैसे विच शेली, मिस फॉर्च्यून तारा, डोमिनिक बो, और ये जो जैसी की नई वाली स्किन है ना, क्या नाम है इसका यार? कैडबुर क्लारियासी। हाँ यही वाली। ये तो मेरी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा क्यों यार, क्योंकि मेरी कोई जीएफ नहीं है। लेकिन मैं बाय नहीं करता, क्योंकि यार एक तो मेरे पास जेम्स के लिए पैसे नहीं है। करते क्यों, भीख मांगता हूँ साहब। दूसरी बात, स्किन से हमारे स्किल्स तो इम्प्रूव होते नहीं है, तो कुछ फायदा भी नहीं है। देखो गलत मत समझना यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्किन्स बाय करना कोई गलत काम है, लेकिन अगर आप अपना अकाउंट जल्दी मैक्स आउट करना चाहते हैं तो स्किन्स पे जेम्स वेस्ट ना करिए। हाँ, स्टार पॉइंट्स वाली स्किन बाय कर सकते हो, क्योंकि स्टार पॉइंट्स आर यूजलेस। और ये जो सिल्वर और गोल्ड स्किन है ना, जो दे तो पूरी तरह गोल्ड वेस्ट है। थोड़े से पैसे बचाना सीखो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सेव योर गोल्ड कॉइंस फॉर अपग्रेडिंग डॉलर्स। टिप नंबर 2, लालच बुरी बला है। एक राज की बात बताऊं, सुपरसेल को पता होता है कि आपके पास कितने जेम हैं, इसलिए तो वो शॉप में आपके जेम्स के अकॉर्डिंग आपको ऑफर देने लगता है, या आसान शब्दों में कहूं तो आपको लालच देने लगता है, ताकि आप जेम वेस्ट कर दें और आपकी प्रोग्रेशन स्पीड कम हो जाए, फिर आप जेम्स बाय करने पर मजबूर हो जाओगे। अब इतनी बड़ी कंपनी है, कमाएगी तो सही, लेकिन आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना है और कोई भी स्टार पावर गैजेट या टोकन डबलर बाय नहीं करना है। आपको अपने जेम्स और गोल्ड वेस्ट नहीं करने हैं, चाहे जो हो जाए। आपको बाय करने हैं तो सिर्फ पावर पॉइंट्स, यस सिर्फ पावर पॉइंट्स, क्योंकि यही एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोग्रेशन के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गोल्ड कहाँ से लाएं, तो थोड़ा वेट करो यार, सब बताता हूँ। टिप नंबर 3, बाय ब्रॉल पास। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा। नहीं नहीं, पैसे खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, पहले सुन तो लो। अगर आप अपनी मोह माया को काबू में रखकर टिप नंबर 1 और 2 फॉलो करोगे तो आप इजीली हर सेकंड ब्रॉल पास बाय कर सकते हो। हर ब्रॉल पास बाय करने पर आपको 90 जेम्स का कैशबैक मिलता है, जो आपके काम आएंगे आपके नेक्स्ट वाला ब्रॉल पास बाय करने के लिए, मतलब सेकंड वाला। यकीन मानिए, पास बाय करने से आपकी प्रोग्रेशन स्पीड डबल हो जाती है और आपको एक ब्रॉलर, एक स्किन और ढेर सारी पिंस भी मिलती है। अगर आप ये टिप फॉलो करोगे तो आप जल्दी ही अपना अकाउंट मैक्स कर सकते हो। टिप नंबर 4, अपग्रेड 1 ब्रॉलर एट 1 टाइम। मैंने कई प्लेयर्स को देखा है कि वो किसी भी ब्रॉलर को अपग्रेड करने लग जाते हैं और किसी भी ब्रॉलर पे पावर पॉइंट यूज कर लेते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपके पास एक भी मैक्स ब्रॉलर नहीं होगा और आपको गैजेट और स्टार पावर ब्रॉलर बॉक्स में नहीं मिलेगी, जिससे आपको और ज्यादा टाइम लगेगा ब्रॉलर मैक्स आउट करने में। और कुछ प्लेयर ये भी करते हैं कि उनके पास जितने भी ब्रॉलर हैं वो पहले उसे लेवल 7 करते हैं ताकि उन्हें गैजेट मिल सके, जो कि बिल्कुल गलत है। बेस्ट तरीका यह है कि पावर पॉइंट तो आपको सारे ही बाय करने, जो भी आपके लिए पॉसिबल है बाय करना, लेकिन जो भी फ्री पावर पॉइंट्स मिलते हैं वो पावर पॉइंट जिन्हें आप किसी भी ब्रॉलर पर यूज कर सकते हो, तो उन्हें आप अपने हाईएस्ट पावर लेवल वाले ब्रॉलर पर यूज करिए, ताकि कम से कम आपके पास एक ब्रॉलर तो हो जो एटलीस्ट लेवल 11 का हो, ताकि आपको बॉक्स में उसकी स्टार पावर और गैजेट मिल सके। मैं भी सबसे पहले एक ब्रॉलर अपग्रेड करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे जाता हूँ। अगर आप इस तरह अपग्रेडिंग करोगे तो ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स और स्टार पावर ब्रॉलर बॉक्स में मिलने के चांस होंगे।
टिप नंबर 5, डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट ऑल टोकन्स। जब भी आपका ब्रोलर रैंक अप होता है तो आपको 10 टोकन मिलते हैं। हर न्यू इवेंट पर टैप करने पर आपको 5 टोकन मिलते हैं। एंट्री मैप की वोटिंग पर आपको 10 टोकन मिलते हैं। जब भी आपका प्लेयर लेवल अपग्रेड होता है तो आपको 20 टोकन मिलते हैं। और हर 24 घंटे में 200 टोकन तो है ही। तो ये सारा है फ्री का माल। अब बात करते हैं उन टोकन की जो आपको कमाने पड़ते हैं, जिनके लिए आपको क्वेस्ट पूरे करने पड़ते हैं। कोशिश कीजिए कि आप कोई भी क्वेस्ट मिस ना करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको दिन भर ब्रोल स्टार खेलना है, लेकिन जब भी आप ब्रोल स्टार खेलो क्वेस्ट को ध्यान में रखकर ब्रोलर और मोड चूज करो। टिप नंबर 6, कलेक्ट बॉक्सेस। जब भी आपको ब्रोल बॉक्स मिलता है आप क्या करते हो बताओ ना, क्या करते हो? खोल देते हो ना? पता है मुझे, क्योंकि सबर नाम की चीज हम भारतीयों में होती कहाँ है। थोड़ा वेट कर लोगे तो क्या जाएगा यार। जो भी नए प्लेयर है वो ये सोचते हैं कि बॉक्स ओपन करते ही न्यू ब्रोलर मिल जाएगा या स्टार पावर या गैजेट मिल जाएगा, लेकिन ट्रस्ट में वन बाय वन बॉक्स ओपन करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मिलेगा तो सिर्फ प्लांट। अरे सिर्फ मजाक कर रहा हूं। सही तरीका यह है कि बॉक्स को कलेक्ट करिए जितने हो सकते हैं उतने, और अपडेट आने पर ओपन करिए। आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यार एक एक करके खोलो या साथ में खोलो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना तरीका बता रहा हूं। मैं तब तक बॉक्स ओपन नहीं करता हूं जब तक कि बॉक्स में ब्रॉलर मिलने का चांस ना हो। स्टार पावर्स और गैजेट की लालच में बॉक्स ओपन ना करें। टिप नंबर 7, यूज क्लब कॉइंस वाइजली। टू बी ऑनेस्ट, क्लब लीग्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि क्लब शॉप के ऑफर बिल्कुल ही बकवास हैं। पर फिर भी क्लब कॉइंस को सिर्फ पावर पॉइंट्स के लिए यूज करें, और अगर आपके सारे ब्रॉलर मैक्स हैं तो गेयर स्क्रैप बाय कर लीजिए। क्लब कॉइंस से गोल्ड या स्किन तो बिल्कुल ही बाय मत करिए, बिकॉज यार एक स्किन 2500 क्लब कॉइंस की है। नो आई मीन सीरियसली, और क्लब रैंक अप होने पर भी कोई क्लब कॉइंस की बारिश नहीं होने वाली है। 2500 क्लब कॉइंस कलेक्ट करने में आपको अप्रोक्स 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट जल्दी मैक्स ना हो, मुझे ये भी लगता है कि फ्यूचर में क्लब शॉप के ऊपर काफी बेटर होने वाले हैं, तो सेव करो कॉइंस अगर कर सकते हो तो, मैं तो कर रहा हूं। टिप नंबर 8, लेट्स टॉक अबाउट गेयर्स। जब गेम में गैजेट्स आए थे तब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यार गैजेट्स एक बहुत ही अच्छा चेंज था गेम को ई स्पोर्ट लेवल तक ले जाने के लिए। गैजेट्स की वजह से गेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ और कॉम्पिटिटिव भी, जो कि बहुत ही सही फैसला था सुपर सेल का, विच इज वेरी सक्सेसफुल। लेकिन ये गेयर्स सीरियसली व्हाट द फक, क्या करूं मैं इनका, बहन जिंदगी पे लगा दूंगा ना तो सारे ब्रॉलर के सारे गैजेट मैक्स आउट नहीं हो पाएंगे। और ये शील्ड वाला गियर क्या है यार, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा हेल्थ है, दैट्स इट। और ये रेजिस्टेंस वाला, ये तो काम भी नहीं करता। मुझे लगा था ये लोग हीलिंग और डैमेज से हटके कुछ नई एबिलिटी देने वाले हैं, पर नहीं, या तो एक्स्ट्रा हीलिंग दे दो या एक्स्ट्रा डैमेज। ये काम तो पहले ही कई स्टार पावर्स और गैजेट कर रही हैं, इसमें नया क्या था फिर? फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि गियर्स अपग्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है तो मैं आपको बताता हूं। मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका ये है कि जो भी ब्रॉलर आपका लेवल 11 का है उसके दोनों गियर क्राफ्ट कर लो, लेकिन सिर्फ लेवल 1 तक, क्योंकि गियर स्क्रैप की कमी है ना और ब्रॉलर है 53, तो जो भी ब्रॉलर लेवल 11 का हो उसे सिर्फ लेवल 1 के दोनों गियर दे दो। टिप नंबर 9, कंप्लीट ट्रॉफी रोड। ये टिप उन प्लेयर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी खेलना शुरू करा है और ट्रॉफी रोड फिनिश नहीं किया है। पहले के मुकाबले ट्रॉफी रोड अभी तो बहुत ही बेटर है, और बहुत सारे ब्रॉल बॉक्स मिलते हैं आपको जो आपकी प्रोग्रेशन में काफी हेल्प करेंगे, और तो और फ्री ब्रॉलर्स भी बहुत ज्यादा हैं। पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था यार, तो पुश करो। टिप नंबर 10, एक्सपीरियंस लेवल। कई प्लेयर्स की शिकायत रहती है कि उन्हें एक भी लेजेंडरी ब्रॉलर नहीं मिलता, और कुछ लोगों को लेजेंडरी ब्रॉलर जल्दी मिल जाता है। मुझे भी मेरा फर्स्ट लेजेंडरी लियोन लगभग 1.5 साल खेलने के बाद मिला था, और उसके बाद भाई धीरे धीरे सारे ही मिलने लगे। मैंने एक बात नोटिस की है कि ब्रॉल स्टार अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि थोड़ा लक पे डिपेंड करता है और थोड़ा आपके एक्सपीरियंस लेवल पर भी। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस लेवल होगा उतने ज्यादा चांस होंगे आपके ब्रॉलर अनलॉक करने के, लेकिन प्लीज डोंट बी एडिक्टेड, अति हर चीज की बुरी होती है। सच कहूं तो सारे ही ब्रॉलर लेजेंडरी हैं अगर आपको उनसे सही तरीके से खेलना आता है तो। फॉर एग्जांपल मैं मोर्टिस से बिल्कुल ही नूब हूं, वैसे तो मैं सारे ही ब्रॉलर से नूब हूं। तो अपना एक्सपीरियंस लेवल बढ़ाइए और सबर से काम लीजिए। तो ये थी कुछ यूजलेस टिप्स, कट कर देना प्लीज। तो ये थी कुछ यूजफुल टिप्स ब्रॉल स्टार अकाउंट जल्दी से मैक्स आउट करने के लिए। जाते जाते एक ज्ञान की बात कहना चाहता हूं, ब्रॉल स्टार का अकाउंट मैक्स करना आप अपने जीवन का लक्ष्य मत बना लेना। हां मैं समझता हूं कि कुछ प्लेयर एज अ स्पोर्ट्स भी इसको खेलते हैं, तो उनके लिए तो काफी जरूरी है ब्रॉल स्टार खेलना, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव लेवल पे खेलते हैं और टूर्नामेंट ज्वाइन करते हैं जिससे वो अर्निंग भी करते होंगे। गेम कोई भी हो उससे आप कितना ही खेलते हो, लेकिन एक बात याद रखो, एजुकेशन और लड़कियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग क्या बोल रहे हो, बंदी सेट करना तो बनता है ना यार, यही तो उम्र है कुछ कर दिखाने की, या यूं कहूं तो कुछ करने की और कुछ दिखाने की। तो ब्रॉल स्टार की नीता के साथ साथ यार अपने गली वाले अनीता पे भी ध्यान दो। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई यार ये क्या गलत शिक्षा दे रहा है, जरा सोचो यार ये 16 से 20 साल की जो उम्र होती है ना लाइफ की सबसे बेस्ट स्टेज होती है, जहां आपको एंजॉय करना चाहिए। पर आप लोग क्या कर रहे हो, घर या गली के किसी कोने में बैठ कर या तो पबजी खेल रहे हो या ब्रॉल स्टार खेल रहे हो या जो भी गेम आप खेलते हो वो खेल रहे हो। घर से बाहर निकलो यार, यार लोगों से खुलो, मिलो, बातें करो, दोस्त बनाओ, किसी से प्यार करो, क्या पता कल हो ना। लेकिन अगर आपने गेमिंग को ही अपना करियर चूज कर लिया है तो लगे रहो, लेकिन पढ़ाई के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, डिस्कॉर्ड पे, ट्विटर पे, फेसबुक माता पे, जहाँ भी आपका मन करे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?